सिस्टम, ये गो क्राउन फंक्शन जो है ना, ये पूरी सिस्टम ही है। और पावर ऑफ सिस्टम का जो टॉपिक है, अगर दुनिया में कोई भी काम आपको अगर बड़ा करना है, कोई भी काम, तो सिस्टम अप्लाई करना ही होगा। बिना सिस्टम बड़ा काम आप कर ही नहीं पाओगे। ये सिस्टम में इतना पावर है। आज विनिंग टीम सिस्टम जो बनाई है, कितने अनुभवों का निचोड़ है ये विनिंग टीम सिस्टम। ये विनिंग टीम सिस्टम में एक एक जो चीज बनाई है वो ऐसे नहीं बनाई, अनुभवों से सफलता जहां जहां पर मिली है वहां पर भैया ने विनिंग टीम सिस्टम को अप्लाई किया है। मैं मेरी बात बताऊं तो 2016 से बिजनेस शुरू किया था और 2017 में पहला एफआरयू आया दिल्ली में। और पहले एफआरयू में मैं सिर्फ और सिर्फ अकेला सूरत से गया था। मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था बिजनेस में, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था ट्रेडिशनल ऑलरेडी। लेकिन जब एफआरयू का माहौल मैंने देखा तो मुझे कुछ लगा कि नहीं, कुछ तो है यहां पर। और जैसे यहां पे बहुत लोगों को बुलाया, भैया ने एक इंसान को बुलाया, उसने कहा कि मैं ब्रांड डायरेक्टर बना सिर्फ और सिर्फ 18 लोगों की टीम है मेरी। कितनी? 18 लोगों की टीम। मैं सोच में पड़ गया कि 18 लोगों की टीम में ब्रांड डायरेक्टर कैसे बन गया। और तब तो 20% था ब्रांड डायरेक्टर, अभी जैसा नहीं है। 20% ब्रांड डायरेक्टर होते थे, राइट? तो उनको पूछा गया कहां से हैं, वो बंदे ने बोला मैं वापी से हूं। मैंने बोला बाद में उसको मिलेंगे। और लंच के टाइम में उनको मिला कि मुझे बताओ कि आपने सिर्फ 18 लोगों में ब्रांड डायरेक्टर कैसे कंप्लीट किया। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के प्रोग्राम किए मैंने। और मैंने तुरंत विनिंग टीम से अनुप सर की हेल्थ और वेल्थ सीडी ले ली, मैंने हेल्थ इज वेल्थ सीडी ले ली। और मैंने 10 सीडी ली क्योंकि मुझे भी टीम में सिखाने का था। और घर पर आके वो सीडी मैंने बार बार सुनी और हेल्थ इज वेल्थ कार्यक्रम मैंने शुरू कर दिया। और हेल्थ इज वेल्थ कार्यक्रम से आज बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला हेल्थ इज वेल्थ कार्यक्रम से। दोस्तों, विनिंग टीम की एक एक चीज जो बनाई गई है, एक एक चीज, उसका आपको सही उपयोग करना सीखना है। क्योंकि सही उपयोग जब आप करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। एक इंसान खड्डे खोदने के लिए कुआं बनाने का था एक गांव में, तो एक इंसान को बुलाया कि भाई साहब ये गांव में कुआं बनाना है। कोई बात नहीं, उसने 15 फीट तक खोदा, पानी नहीं निकला। किसी ने कहा कि भाई यहां नहीं निकलेगा, थोड़ा आगे खोदो तो निकलेगा। थोड़ा आगे जाके दूसरा खड्डा उसने खोदना चालू कर दिया, 20 फुट खोदा, लेकिन फिर भी पानी नहीं निकला। और एक और के इंसान एक और मिल गया उसे कि भाई यहां नहीं मिलेगा, बहुत कोशिश अगर की गई है, गांव के पीछे वाले भाग में चले जाओ, वहां पे पानी निकलेगा। वो बंदे ने वहां पर फिर 20 फुट का खड्डा खोदा। फिर गांव के सरपंच को कहा कि आप उल्लू बनाते हो मेरे को, ये गांव में पानी है ही नहीं, मुझे पैसा दे दो। सरपंच ने कहा कैसा पैसा, पानी तो निकला ही नहीं। सरपंच के साथ एल फैल शब्द बोला, गांव वाले इकट्ठे हो गए, उसको मार पड़ी और चला गया। दूसरे इंसान को बुलाया कि देखो भाई, खड्डा खोदना है, कुआं करना है यहां पर, कोई बात नहीं। उसने खड्डा खोदना शुरू किया और 60 फुट तक जब खोदा तो पानी आ गया। दोस्तों, सिस्टम आपके पास है लेकिन उसका सही उपयोग करना सीखना पड़ेगा। उसने 55 तक तो खोद लिया था, लेकिन कोई कहता है इधर जाओ, कोई कहता है इधर चले जाओ, कोई आएगा दो लेग वाली आएगी, कोई मनी सर्कुलेशन वाला आएगा, कोई फलाना आएगा, कोई ढिमका आएगा, कभी सपने पूरे नहीं होंगे। एक जगह चोंच मारो, एक जगह बस, एक जगह चोंच मारोगे तो सब कुछ हो जाएगा, बाकी दोस्तों नहीं होगा।
और सिस्टम में इतना पावर है। एक छोटा बच्चा जो जानता है ना सिस्टम, वो हम नहीं जानते। इनोसेंसी चाहिए, इनोसेंसी चाहिए। श्रीनिवास जी की इनोसेंसी तो देखो यार, हम कोशिश करें तो भी इतना बन नहीं सकते, इतनी हिम्मत तो नहीं लगती है। इनोसेंसी बनना कोई बड़ी बात नहीं है। ये छोटा बच्चा की बात मैं करूं, जब भी भूख लगती है तो रोता है कि नहीं रोता, यस और नो? राह देखता है रोने की, राह देखता है नहीं देखता है ना? और हम बड़े हो गए, हम भूख दबा के भी बैठ जाते हैं, यस और नो? ऐसा नहीं होगा दोस्तों, सिस्टम से करना पड़ेगा काम। और दूसरा, छोटा बच्चे में से एक सीख बहुत बड़ी सीखने की है, उनकी मदर या फादर उसको जितना भी पीटे ने, फिर भी वो उसके पास ही जाएगा, यस और नो? ये दूसरे के पास नहीं जाएगा। और हम अपलाइन ने कुछ थोड़ा सा कह दिया, बस खत्म, और चले गए क्रॉस लाइन के पास। दोस्तों, आप सिस्टम को बिगाड़ रहे हो। पूरा फोकस रखो सिस्टम के ऊपर, पूरा फोकस, पूरा फोकस सिस्टम के ऊपर।